एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबियंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन 4 नंबरों में पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि पेरेंटल केयर क्या होता है। मैं सबसे पहले इंग्लिश में रीड करूंगी, फिर आपको इनके मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। केयर ऑफ द एग्स एंड द यंग वंस बाय पेरेंट इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। तो इसका मतलब यही है कि माता पिता के द्वारा अंडे और युवा लोगों की देखभाल पेरेंटल केयर कहलाती है। ठीक है, अब देखो पेरेंटल केयर के मेथड हम पढ़ेंगे। तो पेरेंटल केयर के टोटल 5 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज गार्डिंग ऑफ एग्स, यानी कि अंडों की रखवाली। सेकंड है केयरिंग एग्स, यानी कि अंडे ले जाना। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट, यानी कि घोंसलों का निर्माण। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल पाउच, विशेष थैली का विकास करना। एंड फिफ्थ है इंटरनल डेवलपमेंट, यानी कि आंतरिक विकास करना। ठीक है, अब देखो कैटेगरीज हम पढ़ेंगे इनके। तो एम्फीबियंस के पेरेंटल केयर के बेस पर 2 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन बाय लेइंग एग्स इन नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर। और दूसरा है डायरेक्ट केयरिंग बाय द पेरेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि प्रोटेक्शन बाय लेइंग एग्स इन नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर। तो इसमें हमने ब्रेजिलियन ट्री फ्रॉग लिया है, जिसको हाइला फेवर कहते हैं। तो इसमें देखो लेस एग्स इन मड क्रिएटर कॉल्ड नर्सरीज। तो इसका मतलब यही होगा कि ये मिट्टी के गड्ढे में, ठीक है, मिट्टी के गड्ढे में अंडे देती हैं, जिसे नर्सरी कहते हैं। विच द मेल बोल्ड इन सैलो वाटर, जो मेल उथले पानी में निर्माण करती हैं। अब आगे देखो द नर्सरी इज अबाउट 30 सेंटीमीटर इन डायामीटर। जो नर्सरी का व्यास होता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर तक होता है। एंड इट्स रिम इज ए लिटल हायर देन द लेवल ऑफ वाटर। और इसका जो रिम है वो पानी की सतह से थोड़ा सा अधिक होता है, यानी कि लिटल हायर देन द लेवल ऑफ वाटर, पानी की सतह से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो हाइला फाइबर को हमने समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है, जिससे आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हाइला फाइबर की डायग्राम है। ये देखो ये कीचड़ है, यानी कि मड है। आउटर की जो लेयर है वो है मड, यानी कि कीचड़ या फिर मिट्टी। और ये जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा है वो है क्रिएटर, यानी कि गड्ढा। और ये जो आउटर साइड है वो है पानी। ठीक है, ये जो हाइला फाइबर है ये जो अंडे देते हैं ये इस गड्ढे में देते हैं। ठीक है, और इसका जो व्यास है वो लगभग 30 सेंटीमीटर तक होता है। और इसका जो रिम है वो पानी की सतह से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, अब जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है डायरेक्ट केयरिंग बाय द पेरेंट, यानी कि पेरेंट के द्वारा डायरेक्ट केयरिंग। तो इसमें हमने लिया है डस्की सलामेंडर। तो देखो इन डस्की सलामेंडर द फीमेल कैरीज एग अटैच्ड अराउंड हर नेक। तो इसका मतलब ये होगा कि डस्की सलामेंडर में जो फीमेल है, फीमेल के अंडे उसके गर्दन के चारों ओर लगे रहते हैं और उसकी बॉडी से चिपके रहते हैं। अब देख भी सकते हो ये डस्की सलामेंडर है और इसके गर्दन के चारों ओर एग्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और कुछ बार क्या होता है, जो अंडे होते हैं उसकी पूरी बॉडी से चिपके होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है डायरेक्ट केयरिंग बाय द पेरेंट। ये डायरेक्ट केयरिंग करते हैं अपने एग्स को। ठीक है, तो ये था पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबियंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।